सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल के वालिद इंतकाल कर गए हैं। मलिक इकबाल लंगड़ियाल सर्विस अस्पताल में जेरे इलाज थे। सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल के वालिद इंतकाल कर गए हैं। नहायत अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मलिक इकबाल लंगड़ियाल सर्विस अस्पताल में जेरे इलाज थे। सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल के वालिद इंतकाल कर गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा शब्बीर हैदर। शब्बीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर MPDD मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के वालिद सबका सूबाई वजीर मलिक इकबाल लंगड़ियाल इंतकाल कर गए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सूबाई वजीर MPDD मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के वालिद और सबका सूबाई वजीर जो है मलिक इकबाल लंगड़ियाल लालत की वजह से हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और आज उनका इंतकाल हो गया। इस हवाले से जो है बात की जाए तो उनका कोरोना जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आने के बाद उनको साहिवाल हॉस्पिटल से सर्विसेज लाहौर में मुंतकिल किया गया था और आज से 12 रोज कबल उनका कोरोना का टेस्ट जो है साहिवाल हॉस्पिटल में लिया गया था, जिस पर उनका कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद उनको यहाँ पर लाहौर में शिफ्ट किया गया था और 2 रोज कबल जो है हालत उनकी तश्वीशनाक हालत होने की बिना पर उनको सर्विसेज हॉस्पिटल के ICU में दाखिल किया गया और उसके बाद आज रात को जो है हालत नासाज हुई तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल हमीद लतीफ में शिफ्ट कर दिया गया, जिस पर आज जो है अपनी हालत उनकी बेहतर न होने पर आज अभी थोड़ी देर कबल जो उनका इंतकाल हो गया और इस हवाले से बताया यही जा रहा है कि उनके अबाई गांव चीचा वतनी में उनकी तदफीन की जाएगी और अभी कुछ ही देर के बाद यहां से वो रवाना होंगे और चीचा वतनी में उनका नमाज जनाजा होगा। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनकी तदफीन जो है उनके अबाई गांव चीचा वतनी में की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।